अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मटन लौकी गोश्त की रेसिपी लेकर आए हैं जो बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही इजली बन भी जाती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो उम्मीद करते हैं आप दोबारा इसे फिर से बनाना चाहेंगी। तो चलिए हम इसे कैसे बनाते हैं आपको बता देते हैं। हमने यहाँ पर 1/2 kg मटन लिया है, 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिया है, हमने इसे कट कर लिया है, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और कुछ सूखे गरम मसाले हमने लिए हैं, 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग। तो सबसे पहले हम कुकर में ऑयल डाल के प्याज को लाल कर लेंगे। ऑयल हमने 5 टेबल स्पून लिया है और अब अच्छे से हीट भी हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही सूखे गरम मसाले। हम इसे अच्छे से भून लेंगे करीब 3 से 4 मिनट तक। जब ये अच्छे से भून जाएगा तब हम इसमें पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। अब ये काफ़ी अच्छे से भुन रहा है, 3 से 4 मिनट भी हो गए हैं। पाउडर मसाले भी हम ऐड कर देंगे। हम इसे डाल के अच्छे से चला लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से ऐड हो जाएं। मसाले डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये काफ़ी अच्छे से भुन भी रहा है, ऑयल भी अच्छे से रिलीज़ हो रहा है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, 1/2 ग्लास हम पानी डाल रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, और लीड लगाकर हम 1 सीटी आने के बाद करीब हम 4-5 सीटी जब आ जाएगी तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये मटन है तो जल्दी गल जाएगा और अगर आप बीच में बना रही हैं तो आप टाइम बढ़ा सकती हैं। यहाँ पर हमने 300 ग्राम लौकी लिया है जिसको हमने छोटी छोटी पीसेस में कट कर लिया है। जब गोश्त हमारा 90% गल जाएगा तब हम इसे डालकर अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा पानी है, हम इसे बंद कर लेंगे। हमने 90% इसलिए गलाया है क्योंकि हम आगे चलकर लौकी को ऐड करेंगे। अगर हम ज़्यादा गला देते तो गोश्त फूट जाता, इसलिए आप भी इतना ही गलाइएगा। और पानी हमने सारा बंद कर लिया है, अब हम इसमें लौकी को ऐड कर देंगे। अब हमने लौकी को अच्छे से मिक्स कर लिया है गोश्त और मसालों के साथ, काफ़ी अच्छे से ये भुन भी रहा है। हम इसे 3 से 4 मिनट खूब अच्छे से भून लेंगे। जब ये 3 से 4 मिनट भुन जाएगा तो हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे क्योंकि लौकी अपना भी पानी छोड़ती है और ये भुना भुना भी बनता है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप ज़्यादा पानी डालकर जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकती हैं। अब ये अच्छे से भुन भी चुका है, ऑयल भी काफ़ी अच्छे से रिलीज़ हो रहा है। 1 कप पानी हम ऐड कर देंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं। अब हम इसमें लीड लगाकर करीब 2 से 3 हम और सीटी लेंगे ताकि लौकी भी अच्छे से टेंडर हो जाए। तो चलिए
अब हम दोबारा फिर से चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये रेडी हो चुका है, अब हम इसे हल्का सा मैश कर लेंगे। अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो आप इसी तरीके से रख सकती हैं, लेकिन अगर हम इसको मैश कर लेंगे तो बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में भी। हल्का सा हम मैश करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हमने इसे हल्का सा मैश कर लिया है, ये हमारा रेडी भी हो चुका है अच्छे से। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, अब हमारा लौकी गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। हमने हरी धनिया से गार्निशिंग भी कर दी है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर ये हमारी वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।